तो गाइस जो आज का व्लॉग रहने वाला है, आज रहेगा डल लेक का। तो डल लेक यहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो आज हम पैदल जाने वाले हैं। जहाँ हमारा रूम है उससे बहुत ही पास है, तो वहाँ पे घूमेंगे। और आज हम पूरी प्रिपरेशन के साथ जा रहे हैं, कैमरा भी हमारे साथ पूरा है। तो आज का व्लॉग मतलब फ़ोटोशूट भी अच्छा रहेगा। और जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो हम बीच ही यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ से जस्ट अराउंड 1.5 किलोमीटर है। और वहाँ पे शिकारा राइड, पता नहीं शिकारा बोलते हैं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। तो चलो मिलते हैं डल लेक पे। सो गाइस सामने ही डल लेक है, देखो कितना पास में है। जस्ट हम अभी निकले, 2 मिनट में यहाँ पहुँच गए हैं। और चलो अब मिलते हैं डल लेक पे। वहाँ पे एक जगह है चार चिनार, मतलब डल लेक के बीचों बीच वो जगह है। तो वहाँ से हम शिकारा करेंगे, देन पहुँचेंगे उस पोजीशन पे और वहाँ थोड़ा फोटो शूट वगैरह करते हैं, देन देखते हैं जो जो होता है। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ पर, ये है हमारा डल लेक। यहाँ से हम शिकारा लेंगे और चार चिनार शायद वो पोजीशन है जो मिडिल में आप देख रहे हो, वहाँ पर हमें जाना है। यहाँ से देखते हैं शिकारा लेके कैसे जाते हैं, अभी बात करते हैं जो भी है। ये है शिकारा, इसे अब हम हायर करने वाले हैं। ये अभी मेरा फ्रेंड इससे बात करेगा, क्योंकि ये यहीं पे रहते हैं तो इनको ज़्यादा अच्छे से पता है। चलो अब देखते हैं इसके, अब इसमें चलते हैं बात करते हैं कितने में ये होती है। विल लेट यू नो आफ्टर टेकिंग दिस। ये फाइनली हमने हायर कर ली है, और ये स्टार्टिंग में बोल रहे थे 1200 रुपीज़, बट अभी ये 600 में हो चुकी है। तो अब चलते हैं इसके अंदर। चलो बैठो। फाइनली हम आ चुके हैं अपनी शिकारा में, अब चलते हैं यहाँ से चार चिनार। और हम भी पर्सन है, हमने पूरी हायर की हुई है अपने लिए, और ये बोल रहे हैं अराउंड आधा घंटा लगने वाला है वहाँ तक पहुँचने में। चलते हैं इस राइड का लेते हैं। और कैमरा इज रेडी, देखो कैमरामैन भी रेडी है हमारा फ़ोटो शूट के लिए। तो आज थोड़ा अच्छे से फ़ोटो शूट भी करेंगे, कल कुछ नहीं हो पाया था। क्लिक माय फोटो, ये देखते हैं पोज कैसा था। चलो अब चलते हैं चार चिनार। सो गाइस फाइनली वी आर गोइंग टू चार चिनार, और मैं अभी थोड़ा फ़ोटो शूट करवा रहा हूँ। आई होप आपको अच्छा लगे, ना लगे बट मैं तो कराऊँगा। तो आप देखते हो चार चिनार है, वहाँ पे चल रहे हैं हम। उसके बाद ये देखते हैं क्या क्या होगा, और काफ़ी इंजॉयबल राइड है ये। आई थिंक ट्रेन के जैसा मजा आ रहा है, लाइट ट्रिप भी करते रहोगे। भैया तेज चलाओ थोड़ा, जल्दी करो भैया, ऐसे नहीं चलेगा। ओए पानी हमारे ऊपर डाल पाती हूँ। देखो मैं कितना अच्छा चला रहा हूँ, चल नहीं रही है। देखो मैं थक चुका हूँ। इधर से एक और बोट आती है। ये देखो हमारे गुड ड्राइवर शिकारा की जिम की मेहनत काम आई। तेज चलाओ, जल्दी पहुंचाना आपको, जल्दी तेज चलाओ। यहाँ पे इसमें ब्रेकर भी है क्या पानी का? ब्रेकर है भाई, पैसे नहीं मिलेंगे, तेज चलाओ। तुम तो अरे भाई बाइसेप्स पंप हो गया, सिक्स पैक बन गया आपके तो। तो गाइस अब हम पहुंचने वाले हैं चार चिनार, आप पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे इसका चार चिनार नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे चार चिनार के पेड़ हैं। और जस्ट इट्स लाइक अ पिकनिक स्पॉट है यार। और नॉर्मली जो यहाँ के लोकल्स भी यहाँ पे घूमने आते हैं, बट वो लोकल बोट से आते हैं। यहाँ पे आपको एक तरह की बोट और मिल जाएगी जो आपको थोड़ा चीप पड़ेगा। ये हमने अपना प्राइवेट एक कह सकते हो हायर की है, वो एक तरीके से आपको कंबाइन मिलती है, शेयरिंग में जाना पड़ता है। वो जब तक फुल नहीं होगी वो चलेगी नहीं, बट यहाँ पे हमने अपने पर्सनल की है और थोड़ा फास्ट चलती है। यहाँ पे हम एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। तो चलो गाइस मिलते हैं यहाँ पे, आ चुके हैं। ये यहाँ का चार चिनार है, ये देखिए, ये बस जस्ट ऐसे पार्क ही है यहाँ पर। और ये यहाँ के लोकल्स, तो ये जस्ट यहाँ का एक तरीके से पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पे अब हम करते हैं अपने कुछ फोटो क्लिक्स। सो गाइस ये था यहाँ का चार चिनार, और इतना कुछ खास नहीं है यहाँ पे, जस्ट ऐसे ही पार्क की तरह होता है। दिल्ली में जैसे पार्क होते हैं ऐसे ही यहाँ पे चार चिनार है, घूमने आते हैं लोग। और चलो अब हम चलते हैं वापस। तो ये था डल लेक का चार चिनार, और अब चलते हैं अपना शिकारा। हेलो
तो गाइस ये था मेरा आज डल लेक का ब्लॉग और यहाँ काफ़ी अच्छा लगा। मैं कल जो परी महल गया था उससे भी अच्छा ही है। जो यहाँ की शिकारा की राइड है ये काफ़ी अच्छी है। और मैं आपको कहूँगा अगर आपको यहाँ पे चार चिनार आना है तो आपको ये वाली बोट पे नहीं आना है, जो ये बोट है आपको उस वाली पे आना है। ये काफ़ी अच्छी आपको लोकेशन भी देता है, फोटो शूट कर सकते हैं इजीली आप, मतलब काफ़ी अच्छे से यहाँ से आप अपना चार चिनार तक जा सकते हैं। तो गाइस ये था मेरा आज का डल लेक का ब्लॉग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, देखते हैं कल का रहेगा सोनमर्ग या पहलगाम जो भी रहेगा। तो आज के लिए बाय, टू बी कंटिन्यू, थैंक यू।